हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आज हम बनाएंगे छोले आलू दम बिरयानी। इसके पहले मैंने वेज दम बिरयानी का वीडियो भी शेयर किया था, आई होप आप सभी ने उसे देखा ही होगा। और ये बिरयानी भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है, और इसे मैंने कुकर में बनाया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। छोले आलू बिरयानी बनाने के लिए पहले हमें छोले चने को ओवरनाइट सोक करके रखना है, वॉश करना है, और इसे 5 व्हिसल आने तक कुक कर लेना है। अब हमें एक बड़े से बर्तन में 4 से 5 ग्लास वाटर ऐड करने हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 इलायची ऐड की है, और सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। पानी में जैसे ही बॉईल आएगा, वैसे मैंने आधे घंटे पहले सोक किए हुए बासमती राइस, 1 कप बासमती राइस लिए है यहाँ पे, इसमें से पानी हटा दिया है, और बासमती राइस को अब मैं इस बॉइलिंग वाटर में ऐड करूंगी। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 3/4 जितना जब राइस कुक हो जाएगा, मतलब 80% जितना राइस जब कुक हो जाएगा, तब इसे आप एक बार चेक कर लीजिए, अपने हाथ पे रख के देखिए। अगर ये मैश नहीं हो रहा है तो राइस प्रॉपरली कुक है। मैश होने नहीं देना है राइस को हमें। अब गैस को ऑफ करके हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और एक साइड फैला के रख देंगे। एक पैन में हम 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 स्लाइस किए हुए ओनियंस ऐड करेंगे। इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये जो ओनियन है वो बिरयानी में यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जब हमने वेज दम बिरयानी बनाई थी तब मैंने ये ओनियंस का वीडियो आपको नहीं बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ओनियन को फ्राई किया जाता है। इसे लो फ्लेम पे ही हमें क्रिस्पी एंड ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है ओनियंस का, और इसे कंटिन्यूसली, मतलब बीच बीच में हमें इसे मिक्स करते रहना होता है, नहीं तो फिर एक साइड से ओनियंस ब्राउन हो जाएंगे और दूसरी साइड से कच्चे रहेंगे। ओनियन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ ही देर में ये ब्राउन एंड क्रिस्पी होने लगेंगे। जब ये ब्राउन एंड क्रिस्पी होंगे तब हम इसे एक साइड में प्लेट में रख देंगे। अब सेम पैन में ऑयल बचा हुआ है, इसमें मैं 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी। उसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसमें मैं 14 to 15 बेबी पोटैटो बॉयल किए हुए ऐड करूँगी। इसे मैंने पहले ही बेबी पोटैटोज को फोक की मदद से पोक कर लिया है। आप चाहे तो बड़े पोटैटोस को कट करके भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। पोटैटो का कलर चेंज हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक मिक्सर जार में मैंने हैंडफुल्स ऑफ, मतलब 1 कप जितना कोरिएंडर, 1/2 कप यहाँ पे पुदीना लीव्स, 2 हरी मिर्च एंड छोटा पीस जिंजर का, एंड 4 टेबलस्पून दही ऐड कर लिया है। इसका हमें अच्छे से चटनी जैसे पेस्ट बना लेना है। अब उस चटनी को हम एक तरफ रख देंगे, और एक कुकर में हम 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 इलायची, 2 लौंग और 1 बेलीफ को ऐड कर देना है। जब उसमें से अरोमा आना स्टार्ट हो जाएगा तब हमें इसमें 1 फाइनली चॉप ओनियन को ऐड करना है, और ओनियन का कलर चेंज होने तक, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने तक उसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही ओनियन का कलर चेंज हो जाएगा हम उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने रेड चिल्ली एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टोमेटोज को फाइनली चॉप करके उसे भी मिक्स कर देंगे, और जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब टोमेटो सॉफ्ट हो जाएंगे तब हमें इसमें
हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला ऐड करना है। अब हम इसमें जो चटनी हमने बना के रखी थी उसे ऐड कर देंगे। उसमें मैंने हाफ कप जितना पानी ऐड कर दिया था। अब हम इसे अच्छे से उबाल आने तक कुक कर लेंगे। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम उसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले ही बॉईल करके रखा था। बॉईल करते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब हमें इसे भी अच्छे से उबाल आने देना है, जब तक के वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ना हो जाए। जब ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तब हम उसमें राइस ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें राइस का लेयर बनाना है, राइस को ग्रेवी के साथ मिक्स नहीं करना है। सेकेंड लेयर जो रहेगा वो हमने जो फ्राइड किए हुए ओनियन थे उसे हम ऐड करेंगे। अब पोटैटो का लेयर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सभी पोटैटोज को यहाँ पे ऐड कर दूंगी। पोटैटोज का लेयर्स बनाने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना घी ऐड करेंगे और साथ ही साथ में हम इसमें केसर मिल्क भी ऐड कर देंगे। केसर मिल्क के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मिल्क और कुछ केसर के स्टैंड्स को इसमें ऐड करके रखा था, आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। अब बचे हुए चावल का भी लेयर यहाँ पे हम बना लेंगे। बचे हुए चावल का लेयर लगाने के बाद यहाँ पे फ्राइड ओनियंस हम ऐड कर लेंगे। घी और केसर मिल्क को भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। केसर मिल्क के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घी को हमें ऐड करना होता है। घी से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुकर का ढक्कन बंद करते हुए हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए ही कुक होने देना है, बिकॉज सभी राइस एंड छोले यहाँ पे उबले हुए थे। यहाँ पे एक भी सीटी नहीं लगानी है। आफ्टर 5 to 7 मिनट्स जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे खोल के देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही यम्मी छोले आलू दम बिरयानी बनके तैयार है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।